दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को कैसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंटेंट बेस्ड वेबसाइट को पूरा का पूरा अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड करके रख सकते हैं और उसको फिर ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कोई वेबसाइट को बार बार विजिट करते हैं, आप रेगुलर उसको रीड करते हैं, तो अगर आपके पास डाटा की प्रॉब्लम रहती है तो आप उस वेबसाइट को पूरी को एक बार डाउनलोड करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेट ना भी हो तब भी आप उसको ऑफलाइन यूज कर सकते हैं, यानी कि आप कोई स्टूडेंट है, कोई स्टडी वेबसाइट है, वहां से आप नोट्स वगैरह पढ़ते हैं, नोट्स वगैरह निकालते हैं, तो उस वेबसाइट को आप यहाँ पे कंप्लीटली डाउनलोड करके अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको किसी भी कंटेंट बेस्ड वेबसाइट को डाउनलोड करना है, उसको अपने पीसी में सेव करके रखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा दोस्तों कि आपको गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा एचटी ट्रैक। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एचटी ट्रैक, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो जो फर्स्ट वेबसाइट मेरे को मिलती है यहाँ पे आप देख सकते हैं एचटी ट्रैक वेबसाइट कॉपियर नाम से वेबसाइट मिलती है, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे आ जाता है। अगर इस तरह का वेब पेज आपके पास ओपन नहीं होता है तो ऊपर आपको यहाँ पे मेनूज वगैरह मिलते हैं, तो आपको सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पे टैप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा ये मिलेगा इसके लेटेस्ट वर्जन का 3.49.2exe। तो इसको आपको ऐसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे 5 MB का सॉफ्टवेयर है तो इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेटअप मेरे पास है। तो इसको आपको सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप में इंस्टॉल करना होगा। चलिए डबल क्लिक से इसको ओपन करेंगे और यहाँ से इसको एडमिनिस्टर परमिशन देंगे। और इसके बाद में जिस तरह से नॉर्मली आप सॉफ्टवेयर वगैरह को इंस्टॉल करते हैं उस वैसे ही आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। आई एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे और इसके बाद में फिर से नेक्स्ट करेंगे और इसको यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर देना है। तो चलिए यहाँ से इसको फिनिश कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर यहाँ पे एक आइकन बन चुका है। तो सिंपली इस आइकन को हम यहाँ से लॉन्च करेंगे सॉफ्टवेयर को। जैसे आप इसको लॉन्च करेंगे कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन मिलता है, ऐसे इंग्लिश आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपके सामने। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है तो नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट नेम देना है, यानी कि आप अपना प्रोजेक्ट किस नाम से सेव करना चाहते हैं। आप इसमें वो नाम दे सकते हैं जिस वेबसाइट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसी का नाम यहाँ पे दे सकते हैं, ताकि आप इसको आसानी से अपनी हार्ड डिस्क में सर्च कर सके। चलिए मैं जिस वेबसाइट को अपनी वेबसाइट को यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पर नेम दे देता हूँ, ये मेरा प्रोजेक्ट नेम हो गया। इसके बाद में आपको प्रोजेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कैटेगरी दें। इसके बाद में यहाँ पे आपको पथ सिलेक्ट करना है कि किस जगह पर आप उस वेबसाइट को सेव करना चाहते हैं। तो सपोज कीजिए कि आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं, तो चलिए मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप अपनी सी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव कहीं पर भी इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फोल्डर का नेम भी वही दे देता हूँ ताकि मैं इसको आसानी से सर्च कर सकूँ। अब चलिए फिर से इसमें चलते हैं, यहाँ से पथ सिलेक्ट करने के लिए इसको ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और जो फोल्डर हमने अभी यहाँ पे बनाया था उस फोल्डर को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं देखता हूँ फोल्डर कहाँ पर है, फिर इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब जो हमारी वेबसाइट डाउनलोड होगी वो इसी फोल्डर में डाउनलोड होगी। तो अब चलिए इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड वेबसाइट आपको इसी पे रहने देना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी उस वेबसाइट का URL देना है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी अपने कंप्यूटर PC में सेव करना चाहते हैं। तो चलिए मैं अपनी उस वेबसाइट को यहाँ से ओपन करके और उसका यहाँ से URL ले लेता हूँ। तो चलिए ये रहा URL, तो मैं इसको यहाँ से URL को कॉपी करता हूँ और इसके बाद में इसी सॉफ्टवेयर में चलते हैं और इस URL को हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट। बस दोस्तों आपको यहाँ पे इतना ही करना है, इसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, डिस्कनेक्ट व्हेन फिनिश्ड, यानी कि जैसी कंप्लीट हो तो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। PC शट डाउन हो जाए इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, इसको ऐसा ही रहने दें आप, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप यहाँ से इसको फिनिश कर दीजिए। जैसे आप URL डाल के उस पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोडिंग की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। अब इस वेबसाइट में जितना भी कंटेंट है इस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे आपको कितना टाइम लगने वाला है। यहाँ पर जितने भी पेज लिंक होंगे, जितना भी डाटा होगा, जितने भी लिंक्स वगैरह होंगे, उन सबको यहाँ पे ये रीड करेगा और उसको पूरे को यहाँ पे डाउनलोड करके आपकी हार्ड डिस्क में इसको सेव कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर आप यहाँ पे भी ये भी देख सकते हैं कि क्या स्पीड चल रही है, कितना डाटा यहाँ पे है, कितने MB यहाँ पे आ चुका है, कि बाइट रेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, कितने MB आपका आ चुका है, टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कितने सेकंड हो चुके हैं और ट्रांसफर रेट वगैरह और यहाँ पे एक्टिव कनेक्शन वगैरह आपको नजर आ रहा है और कितनी लिंक इसने यहाँ पे स्कैन कर दिए
और इसके अलावा फाइल रिटर्न कितनी हो चुकी है, सारी चीजें आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, जितनी बड़ी वो वेबसाइट होगी जिसे आप डाउनलोड कर रहे हैं, जितना ज्यादा उसमें कंटेंट होगा, जितने ज्यादा वेब पेज उस पर लिंक होंगे उसी हिसाब से यहाँ पे टाइम लगने वाला है, क्योंकि उसको पूरी कंप्लीटली आपकी हार्ड डिस्क में सेव करने वाला है। तो लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इतना ज्यादा वेट यहाँ पे नहीं करूंगा, तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली कैंसिल कर देता हूँ और जितना हो गया मैं आपको उतना ही बता देता हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ से ओपन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, इसको यहाँ से ओके करते हैं, स्टॉप कर देते हैं और इसको यहाँ से फिनिश कर देते हैं। चलिए इसको यहाँ से एग्जिट करते हैं। अब चलिए मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारा कुछ डाटा यहाँ पे आया है या नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा कुछ डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो आपको करना क्या होगा कि इसको यूज करने के लिए आपको जितने भी फोल्डर हैं इनमें आपको किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको सिंपली जो ये इंडेक्स वाला जो फोल्डर आपको नजर आ रहा है, ये फाइल नजर आ रही है आपको HTML वाली, ये हमारी इंडेक्स फाइल है, इसी को आपको डबल क्लिक से ओपन करना होगा। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका वो फोल्डर आ जाएगा जो आपने प्रोजेक्ट नेम दिया था, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वेब पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी पोस्टें वगैरह हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप इस वेबसाइट को पूरी को ऑफलाइन रीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि कुछ कुछ यहाँ पे आया है, कुछ डाटा भी यहाँ पे नहीं आया क्योंकि मैंने इसको बीच में रोक दिया था। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी कंटेंट बेस्ड वेबसाइट को पूरी की पूरी डाउनलोड करके अपनी हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, उसे ऑफलाइन यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डाटा की कमी रहती है तो आपके लिए ट्रिक काफी काम करने वाली है। और अगर आप ट्रेवल वगैरह में जा रहे हो, पूरी वेबसाइट को आप यहाँ पे डाउनलोड करके साथ ले जाना चाहते हैं तो आप उसको भी ले जा सकते हैं। हर तरह की रिक्वायरमेंट में आपकी ये सॉफ्टवेयर काफी हेल्प करता है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट को ऑफलाइन में अपने कंप्यूटर पीसी की हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।